हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर सबसे पहले हमारे पास क्या है? अगर हम बात करते हैं किसी भी एक कंडक्टर की, कोई भी एक कंडक्टर है जिसके पास चार्ज है, तो एनी कंडक्टर कैरिंग चार्ज इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसके पास चार्ज है, तो उसके पास हमारे पास उसकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एंड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कॉन्स्टेंट एवरीवेयर ऑन द एंड विद इन द ऑब्जेक्ट, ऑन द सर्फेस एंड विद इन द ऑब्जेक्ट। उस पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है? कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो अगर कोई दो कंडक्टर्स हैं, कोई भी दो कंडक्टर्स हैं जिनके बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, कोई कंडक्टर एक है, कोई दूसरा कंडक्टर है, उनके बीच में, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ पर वो एक्सेलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते हैं। स्टोर होती है एनर्जी उस कंडक्टर के बीच में बाय स्टोरिंग चार्ज। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एनी डिवाइस विच हैव पोटेंशियल डिफरेंस बाय स्टोरिंग एनर्जी, वो चार्ज स्टोर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। कोई भी नॉर्मल अगर एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है, उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो अगर कोई चार्ज है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पे, उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और अगर दो कंडक्टर्स हम ले रहे हैं, उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, एक का पोटेंशियल कुछ, दूसरे का कुछ, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एनर्जी, चार्ज पार्टिकल्स जो फ्लो हो रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं चार्ज को, एनर्जी स्टोर हो रही है, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर बोलेंगे। तो एनी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट दैट कैरीज चार्ज इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ कॉन्स्टेंट विद इन एंड ऑन द ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़ कि हमने बोला अगर दो कंडक्टर्स के पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट होंगे चार्ज पार्टिकल्स। और अगर चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो रहे हैं, हमने बोला डिवाइस दैट कैन मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्टोरिंग एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज, वो डिवाइस हमारे पास क्या बोला जाता है? कैपेसिटर बोला जाता है। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर एनर्जी। अगर हमारे पास हम अरेंजमेंट ले रहे हैं दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स का, जो कंडक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे कैसे मेंशन करते हैं? ऐसे दो प्लेट्स की फॉर्म में, कैपेसिटर का सिंबल लिया, दो प्लेट्स से शो किया। अब ये हमारे पास एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, चार्ज स्टोर, एनर्जी स्टोर, तो वो हमारे पास डिवाइस क्या बोला जाता है? कैपेसिटर बोला जाता है। अब ये जो कैपेसिटर है, ये सिंबल है उसका, हमने बोला कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। हमने दो मेटालिक प्लेट्स को दिया, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी डिवेल्प हो गया। दो मेटालिक प्लेट्स, कोई भी कंडक्टर्स ले लिए हमने, तो दो जो कंडक्टर्स लिए हैं, एक का चार्ज पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। अभी स्टडी करेंगे कैसे। हमने प्लेट्स को दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवेल्प हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ चार्ज पे। तो ये जो चार्ज है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो हमारे पास हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो सी से आती है कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। सबसे पहले कैपेसिटर है क्या? हम जब भी दो कंडक्टर्स को लेंगे, सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर एक हमने
आइसोलेटेड कंडक्टर लिया ए, ए एक प्लेट ले ली, आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, इसको हमने सेल लेके चार्ज कर दिया, फुल्ली चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया मान लो, हमने इसको फुल चार्ज कर दिया, अब इतना चार्ज कर दिया कि इसके बाद अब इसके पास स्पेस नहीं है, फ्लो ऑफ चार्जेस रुक गया है। एक सेल लेके हमने इस आइसोलेटेड कंडक्टर को फुली चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम इसके पास एक और मेटालिक प्लेट कंडक्टर कोई दूसरा लेके आए विच इज़ न्यूट्रल, हम एक और अनचार्ज्ड प्लेट लेके आ रहे हैं बी के पास, ए के पास, जो बी है वो क्या है, अनचार्ज्ड प्लेट है। पहली वाली क्या थी, कंडक्टर लिया, सेल लिया, चार्जिंग की, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, अब इसके बाद फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो सकता, हमारे पास सैचुरेशन है, हमने अब यहाँ पे एक और अनचार्ज्ड कंडक्टर लेके आए। अब जैसे ही हम इसके पास ये अनचार्ज्ड कंडक्टर लेके आए हैं तो क्या होगा, इंडक्शन, इंडक्शन होगी, इसके पास वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पास वाले पे नेगेटिव और ऑपोजिट साइड वाले पे पॉजिटिव आया। अब ये वाला नेगेटिव इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला पॉजिटिव ए प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, माइनस वाला डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस के बेस पे देखें तो माइनस जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो साइड जो है वो ज़्यादा क्लोज है, तो ये इंक्रीज कर रहा है इसका पोटेंशियल, ये डिक्रीज कर रहा है, बट एट लास्ट क्या होगा, नेगेटिव वाला ज़्यादा पास है तो वो जीत गया, तो इसका मतलब जो ए प्लेट का पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हुई है, रिडक्शन हुई है ऑफ द पोटेंशियल। तो अगर इसका इसने पोटेंशियल रिड्यूस किया है तो मतलब इसके पास और चार्ज लेने की कैपेसिटी है, इसने इसका पोटेंशियल बी ने ए का पोटेंशियल बी ने ए का पोटेंशियल रिड्यूस किया तो ए के पास और पोटेंशियल लेने के लिए और चार्ज लेने के लिए जगह है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है कि और चार्ज स्टोर कर सकता है। हमने एक कंडक्टर लिया है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट फुल चार्ज करके, बी अनचार्ज्ड लिया है, उसके पास जब बी आया इंडक्शन हुई तो पास वाले फेस पे नेगेटिव चार्जेस डिवेलप हुए, ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव डिवेलप हुआ, तो जब ये नेगेटिव वाला इसके क्लोज है तो ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव वाला इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, बट नेगेटिव वाला ज़्यादा क्लोज है तो ओवरऑल जो ए का पोटेंशियल है वो रिड्यूस ही होगा। अब अगर सेकेंड स्टेप में इसको हम अर्थ कर दें, अर्थिंग हो जाए बी प्लेट की, तो इसका सारा का सारा पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, ग्राउंड, सारा का सारा पॉजिटिव पोटेंशियल ग्राउंड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ नेगेटिव, जो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था अब तो वो भी चला गया, तो फिर इंक्रीज करने वाला तो कोई बचा नहीं, तो और क्या होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, मतलब जो इसको हेल्प कर रहा था इंक्रीज करने के लिए वो एलिमेंट भी गायब हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ नेगेटिव, नेगेटिव इसके पोटेंशियल को क्या करेगा और रिड्यूस करेगा, तो मतलब इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और चार्जेस ले सकता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो चुका है, इसके पास स्पेस है और चार्जेस को लेने की, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो मींस अगर हम इस चीज़ को जो स्टडी कर रहे हैं, ये है कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अर्थ्ड कंडक्टर नियर टू द कंडक्टर, कौन से वाला अर्थ्ड कंडक्टर, मतलब बी वाला, कौन से कंडक्टर के पास, ए वाले के पास लेके आए, तो ये है प्रिंसिपल, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, कौन सी कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर नियर टू इट, तो बी वाला अर्थ है, तो उसके वाला हम जो लेके आ रहे हैं ए के पास, उसकी वजह से ए की कैपेसिटेंस बढ़ती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या, कोई भी डिवाइस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आए उसकी वजह से हम चार्ज स्टोर, एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं, वो कैपेसिटर हो गया।
कैपेसिटर में हमारे पास हम दो कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, तो ये दो कंडक्टर्स हमने यूज़ किए। अब देखो, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, दिख रहा है कैसे आया पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, बेसिकली दो कंडक्टर्स हैं, अभी किया टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स, इनको क्या बोलते हैं, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैरिंग कैसे चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो ये कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर हमारे पास, हमने बोला ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री कैसी है कैपेसिटर की, आपने कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, उस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल, उतना ज़्यादा हम चार्ज स्टोर करवा पाएंगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा हमारा कैपेसिटर। तो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया सी, सी क्या है हमारे पास कैपेसिटेंस, तो सी कितना आ गया क्यू अपॉन वी, क्यू क्या है चार्ज, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का यूनिट कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, मिलके बन गया फैरेड। कूलम अपॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फैरेड। तो फैरेड क्या है, नया यूनिट है, तो वन के लिए वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, जब भी कोई नया यूनिट पढ़ते हैं वन के लिए वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो वन फैरेड कितना होगा, वन फैरेड क्या है, इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज सप्लाई टू द कंडक्टर। जो भी हमारे पास दो आप कंडक्टर्स ले रहे हो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वन वोल्ट है, और हमारे पास चार्ज कितना स्टोर करेगा वो वन कूलम। कैपेसिटेंस कितनी हो गई, वन फैरेड। तो जब दोनों को वन वन पुट कर देंगे तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, वन फैरेड हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटेंस यहीं से हम डिफाइन करें, अगर हमारे पास पोटेंशियल वन वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट होगा, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। सी क्या है, अगर वी को वन पुट कर दो तो सी की क्यू के इक्वल आ गया, अगर वी को वन पुट कर देते हैं तो सी क्यू के इक्वल आ गया। क्या है ये, इसका मतलब अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है हमारे पास, कौन सा कैपेसिटर है हमारे पास, required to raise the potential of a conductor by 1 volt. So this capacitance is the amount of charge required to raise the, कौन सा conductor, ये वाला एक, दो को मिला के capacitor बना। So अगर मैं यहाँ पे 1 volt potential difference लगाती हूँ तो कितना चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, सो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल कितने से, वन वोल्ट से, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, कैपेसिटेंस बन जाएगी किसकी, कैपेसिटर की। अब यहाँ से इस रिलेशन से हमें एक और चीज़ दिखती है कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा करनी है तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम रखना पड़ेगा। कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटर की ज़्यादा चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए फॉर सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अगर हमने बोला कैपेसिटेंस आपको कैपेसिटर की ज़्यादा करनी है तो पोटेंशियल कम से कम रखो, अगर रिवर्स हो जाए, अगर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू ई डी करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जितनी भी सराउंडिंग एयर है आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, सराउंडिंग एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज होना स्टार्ट होंगे, आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन होने से चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेट होंगे तो मान लो ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गए, फ्लो होना स्टार्ट हो गया चार्ज पार्टिकल्स का, फ्लो होगा तो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होंगे, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होंगे तो फिर तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स तो मूव करने लग गए हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो गई है चार्ज पार्टिकल्स की, इसको बोलते हैं हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो अगर हमें ये चीज़ रोकनी है, कैपेसिटेंस कम नहीं होने देनी, क्योंकि अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, स्टोर करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल कम रखना पड़ेगा
पोटेंशियल कम होगा तो ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो जो न्यूट्रलाइजेशन है उससे बच सकते हैं। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से आयनाइजेशन होगी और आयनाइजेशन होने से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगी, न्यूट्रलाइज होंगे चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रलाइज होंगे, फ्लो हो गया चार्जेस का, तो स्टोर होने की कैपेसिटी कहाँ रही, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई। इसका मतलब अगर हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा रखनी है तो पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन होने से एक्सेलरेट होंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, लीक होना स्टार्ट होगा चार्ज कैपेसिटर में से ड्यू टू द रिडक्शन इन द इंसुलेटिंग पावर। और अगर हमारे पास लीक होना स्टार्ट हो गया, स्टोर कैसे होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई। तो ये है हमारे पास कैपेसिटेंस। सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड विदाउट द ब्रेकडाउन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड विदाउट द ब्रेकडाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, कितनी मैक्सिमम, इसके ऊपर देंगे तो फिर तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे कम कम रखनी है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ है उस डाइलेक्ट्रिक की कि उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ब्रेकडाउन होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी ऑफ एन इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने क्या किया, एक कंडक्टर कंसिडर किया है विद सेंटर ओ, रेडियस आर, पॉजिटिव चार्ज दिया उसको, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चार्ज जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट। पोटेंशियल कितना होगा, कर चुके हैं, पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर। पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, पोटेंशियल ले लिया के क्यू बाई आर। जब भी हमें आगे डेरिवेशंस आएंगी कैपेसिटेंस किसी चीज़ की कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ हम कर रहे हैं ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी चीज़ की अगर कैपेसिटेंस के लिए क्वेश्चन आता है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहला स्टेप है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तभी तो चार्ज स्टोर होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते ही हमारे पास क्या आ गया, के क्यू बाई आर आ गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस के लिए वही फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी लगा दो। तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया स्फेरिकल कंडक्टर का कि के क्यू बाई आर है, सी निकालेंगे क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। तो जैसे ही पुट करेंगे वी की वैल्यू के क्यू बाई आर, वी को पुट कर दो 1/4πε0 Q by R, ये 4πε0 R ऊपर चला गया और Q से Q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस आ गई ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर 4πε0 R, कितनी आ गई 4πε0 R। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम वही आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस हमने निकाली है उसकी जगह हम अर्थ की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं हम उसका रेडियस 6400 किलोमीटर अज्यूम करके चलते हैं कि जो स्फेरिकल है हमारे पास, तो 6400 किलोमीटर, तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाती है 711 माइक्रो फैरेड। फैरेड पड़ा है, हमें पता है पीको फैरेड भी यूनिट होता है 10^-12, माइक्रो इज 10^-6। तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस जो अर्थ की आती है वो कितनी है 711 माइक्रो फैरेड। चलिए बेटू बाय।